हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। यू नो, ये टाइम ही इतना क्रूशियल है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई थिंक इट्स इवन वर्स्ट फॉर आवर कंट्री। डेली हमें कुछ ना कुछ ऐसा सुनना पड़ता है विच वी डू नॉट वॉन्ट टू लिसन एट ऑल। हम लोग वो सारी प्रोटेक्शन ले रहे हैं, सारी प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जिससे हमें पॉजिटिव जैसा वर्ड सुनने को ना मिले। पर मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव ना सुनने के चक्कर में हम लोगों ने शायद पॉजिटिव सोचना ही छोड़ दिया है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज पिछले कुछ दिन मेरी फैमिली के लिए भी बहुत टफ रहे। मेरी फैमिली एज इन मेरे इन-लॉज में भी काफी लोग की तबीयत खराब थी और मेरी फैमिली में भी मेरी मम्मी पापा और मेरी सिस्टर भी ठीक नहीं थे। और मैं यहाँ इतनी दूर बैठ के ना तो मैं उनसे मिल सकती ना मैं उनको देख पाती, तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता था। क्योंकि आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। वो फीलिंग बहुत अजीब होती है। यू वॉन्ट टू डू एवरीथिंग फॉर देम बट यू कांट। ये वाली सिचुएशन ना बहुत बुरी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपने आप को बस किसी तरह ये अपने आप को विश्वास दिलाती थी या अपने आप को कंसोल करती थी कि बस मुझे पॉजिटिव रहना है, बस मुझे अच्छा सोचना है कि सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो मैंने खुद के साथ कुछ वेज फॉलो किए जिनसे मुझे काफी बेनिफिट मिला और मैं पॉजिटिव रह पाई इस मुश्किल वक्त में। हाँ, मैं वीडियो नहीं ला पाई बिकॉज मैं पूरा दिन उन्हीं से टच में रहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली चिंता तो होती है। लेकिन हाँ, मैं पॉजिटिव जरूर रहती थी इन वेज को फॉलो करके। तो आज गाइज मैं आपके साथ वो वेज शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत लोग होंगे इस समय, इस क्रूशियल टाइम में। तो शायद ये वीडियो उनके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो और मैं इस पेंडेमिक में आपके लिए थोड़ी काम आ सकूं। सबसे पहली चीज मैं क्या करती थी, मैं मॉर्निंग में उठते ही थोड़े अच्छे से म्यूजिक प्ले कर देती थी, जो अच्छा वाइब्रेशन जिससे क्रिएट होता था, या मैं भजन चला देती थी। कुछ भी अच्छा म्यूजिक मैं जरूर सुनती थी मॉर्निंग में, या ऑल डे ही चलता रहता था मेरे घर में अगर मैं कुछ नहीं करती थी। इनफैक्ट अभी भी यही सिनेरियो है, म्यूजिक चलता रहता है घर में, भजन या कुछ भी ऐसा जो कि पॉजिटिव फीलिंग मुझे देता है। तो इससे मुझे काफी बेनिफिट मिला। सेकेंड थिंग मैं क्या करती थी, मैं कॉमेडी शो देखती थी या कुछ भी कॉमेडी सीरीज ऐसा लगाती थी जिससे मैं खुल के हंस सकूं। क्योंकि जब हम खुल के दिल से हंसते हैं ना, तो अंदर से ही हमें पॉजिटिव सी फीलिंग एकदम से आने लगती है। तो ये आप लोग भी ट्राई करना, जब भी थोड़ा सा टेंस्ड माहौल हो ना, अगर आप थोड़ा हंसे खुल के किसी बात से या कुछ भी ऐसा देखें, इंटेंशनली देखना। हाँ, थोड़ा फनी लग सकता है या थोड़ा लोगों को लगेगा यार ये कैसा इंसान है कि ऐसे टाइम में भी इसको हंसने की पड़ी है, बट ट्रस्ट मी वो आपको अंदर से पॉजिटिव फीलिंग देगा जब आप खुल के हंसेंगे। बिकॉज जो हो रहा है या होने वाला है उसको तो हम नहीं रोक सकते, पर हाँ हम उस प्रेजेंट को तो थोड़ा सा हैप्पी और लाइट बना सकते हैं ताकि हम थोड़ा पॉजिटिव रह सकें। थर्ड थिंग आप क्या कर सकते हैं, YouTube पे बेबी की वीडियोस देखिए। मेरे घर में तो प्यारी सी मेरी बेटी है तो मैं तो उसी के साथ खेलती हूँ। मेरा ऑटोमेटिकली जो है एनर्जी लेवल या मूड एकदम से पॉजिटिव और अच्छा हो जाता है। तो अगर आपके घर में बेबी है सिया की तरह क्यूट सा, तो वो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आप YouTube पे बेबी की वीडियोस देखिए, क्योंकि बेबीज जितना प्योर सोल तो कोई नहीं है दुनिया में। अगर आप उनसे इंटरैक्ट करेंगे या उनको देखेंगे ना, तो आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी एकदम से मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी आपकी बाहर आएगी एकदम से। नेक्स्ट थिंग जो है, जो मैं बिल्कुल नहीं करती थी, ना ही मैं अपनी फैमिली में किसी को करने देती थी, वो है मैं न्यूज नहीं देखती थी पूरा दिन। मैंने ये नोटिस किया, न्यूज में एक ही चीज बार बार दिखाते हैं ना। तो अगर एक चीज मान लीजिए हमें किसी चीज से दुख हुआ, एक बार दुख हुआ, अब हम वो 10 बार सुनेंगे, क्योंकि उसमें वही चीज रिपीटेडली दिखाते हैं न्यूज में। वो हम अगर 10-15 बार सुनेंगे तो सोचिए सेम लेवल का दुख या सेम लेवल की तकलीफ या सेम लेवल का इमोशन हमें 15 बार ट्रिगर कर रहा है हमारे माइंड में। तो ये तो कितनी गलत चीज है अगर हम एक ही चीज बार बार देख रहे हैं। हाँ, बार बार अगर देखें तो अच्छी चीजें देखो ना, कॉमेडी शो देखो बार बार या म्यूजिक सुनो प्यारा सा बार बार, जो कि सेम लेवल का ट्रिगर करे पॉजिटिव वाला आपके माइंड में। हाँ, न्यूज देखो, अपडेट रहो, पता रखो क्या हो रहा है दुनिया में, सब पता होना चाहिए। पर ये नहीं कि पूरा दिन आप न्यूज देखें, वो चीज मैं बिल्कुल नहीं करती थी, ना मैं करती हूँ, ना मैं करने देती हूँ अपने घर में किसी को। नेक्स्ट, ऐसे टेंशन भरे माहौल में अगर हम दिन में थोड़ा सा टाइम अपनी हॉबी के लिए निकाल लेना,
तो मुझे लगता है हमारे जो एनर्जी लेवल है हमारे अंदर फिर से रिक्रिएट हो जाता है और हमें बेटर, बहुत बेटर फील होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ड्रॉइंग पसंद है तो आप कुछ ड्रॉ करो, या आपको अगर डांस पसंद है तो आप डांस करो। फॉर मी, मुझे डांस करना पसंद है तो मैं डांस करती थी सिया के साथ, मेरी एनर्जी लेवल वापस आ जाती थी। अभी भी वो तो डेली का मेरा काम है उसके साथ डांस करना, या ये वीडियो बनाना, ये भी मेरी एक हॉबी है। तो ये अब मैं फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ वीडियोस बनाना, क्योंकि अब घर पे थैंकफुली सब ठीक है, तो एक वो एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली वापस आ गई है। तो अब मैं फिर से अपनी इस हॉबी को दोबारा से परस्यू करने वाली हूँ। तो आप भी जरूर दिन में थोड़ा टाइम अपनी हॉबी को दो, गिव टाइम फॉर योर हॉबी एंड यू विल फील डेफिनेटली फार बेटर आफ्टर दिस। नेक्स्ट, मैं अपने आप को पैम्पर जरूर करती हूँ। सोचिए, अगर आप दुखी हैं, बुरा लग रहा है, आपको कोई हाथ फेराए या हाथ दबाए या पैर दबाए या आपसे अच्छी अच्छी बातें करे, पैम्पर करे आपको, बेसिकली आपको अच्छा लगेगा ना। अब कोई अगर नहीं कर पा रहा है तो आप सेल्फ पैम्परिंग तो कर सकते हो ना, तो वो मैं करती हूँ अपने लिए। कैसे? मैं अच्छे से अपनी स्किन का ध्यान रखती हूँ, रात में अच्छे से अपना नाइट स्किन केयर करती हूँ, या मैं खुद ही अपने पैरों की मसाज कर लेती हूँ, पैम्पर करती हूँ मैं खुद को, हेड मसाज देती हूँ खुद को, अच्छा लगता है। अगर आप दिन में थोड़ा सा टाइम अपनी पैम्परिंग के लिए निकालोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा बेटर फील होगा और आप पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे। लास्ट, ये मैंने लास्ट इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये लीस्ट बिल्कुल नहीं है। मैं जरूर कुछ ना कुछ माइथोलॉजिकल सीरीज जरूर देखती हूँ एवरी डे, या तो फिर मैं गीता के उपदेश देख लेती हूँ यूट्यूब पे, मैं रामायण का कोई एपिसोड देख लेती हूँ, या मैं शिव तांडव स्तोत्रम, सिया का फेवरेट है वो सुन लेती हूँ। इस तरीके का मैं कुछ ना कुछ डेली जरूर करती हूँ। गीता के जो भी मैं यूट्यूब पे देखती हूँ भागवत गीता के उपदेश, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी। मेरे लिए वो लाइफ चेंजर है, मुझे अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन और पॉजिटिव फील होता है वो वीडियोस देख के। बस अगर ये सारी चीजें डेली लाइफ में उतार लोगे आप, मैंने तो उतार ली हैं ऑलमोस्ट, तो ऑटोमेटिकली हम लोग पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं। एंड रिमेम्बर, थॉट्स बिकम थिंग्स, हम जैसा सोचते हैं ना, यूनिवर्स रिक्रिएट करके हमें वो ही चीज हमारे सामने लाके रख देता है। ये बहुत बड़ा सच है यूनिवर्स का, मैं इसको पूरी तरह से मानती हूँ। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ हर हाल में अच्छा सोचूं, पॉजिटिव सोचूं, ताकि मेरे साथ भी अच्छा हो, मेरे आसपास के लोगों के साथ भी अच्छा हो। बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि सब खुश रहे, सब हेल्दी रहे, सब पहले जैसा हो जाएगा, हो चुका है, हो रहा है, मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। आप लोग अपना ध्यान रखो, बाय फॉर नाउ।